चलो अपन अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करना है। कल कल मैंने वो इंट्रोडक्शन दिया, कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो बेटा, नहीं तो अपना गाड़ी उसी दायरे में चलेगा। यू कैन सी कल अपन ने काम जो किया है उसी को आगे बढ़ाना है। किसी को भी पूछना है तो जरा पूछ लो बेटा। हेलो, नो सर, तो फिर बेटा चालू कर। तो पेज जो भी है अभी अपना आगे पीछे हो गया है। इलस्ट्रेशन 1 बेटा, पेज नंबर बोलते जाना ताकि सब लोग लिखे। पेज नंबर सर 6.78। इलस्ट्रेशन 1 कितना बोला? पेज नंबर 6.78 78। मैंने आपके लिए आपका पेज नंबर लिखा है, मेरा कुछ अलग है क्योंकि तो मेरे बुक में दो तीन चैप्टर्स एक्स्ट्रा है जो आप में नहीं है, तो मेरा पेज नंबर बहुत आगे चला सर, गया। कल चलो, वाले का क्या आंसर क्या है? आंसर? मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? मैं तो ऐसे आप ठोकम ठोक करता हूँ। नंबर अरे मैं बुक में से थोड़ी क्वेश्चन निकालता है यार। मेरे को तो याद भी नहीं था मैंने कोई क्वेश्चन दिया। बोलो। ऐसे ही मूड बन गया, क्वेश्चन फेंक दिया। तुम लोग सोल्व करने का बेटा, मेरे को कहाँ मालूम पड़ता है। चल फिर भी बोल ले, अभी सब लोग से पूछ लेते हैं। आजा मैदान में, तू ही बोल आंसर। समय को 26 सितंबर है। ये था ना, सामने दिखता है वही है ना क्वेश्चन। हाँ, क्या बोला आंसर? 26 सितंबर। सर सितंबर। ओ भाई, ओ नयन भाई, यही आया था, है? हाँ मेरे को भी यही आया। 26 सितंबर ही आया इतनी सर। 26 सितंबर। जाने दे भाई, सकुल भाई, हाँ इलस्ट्रेशन 1। हाँ, स्टेशन 1 पे आ जाओ भाई। चल फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन द डिफरेंट एक डेट्स काम इन द कर, बिटवीन। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 2 चालू कर। इलस्ट्रेशन 1 बाद में देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 6.79। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ब्रैकेट ए ऑन 18th मार्च, ऑन ब्रैकेट बी ऑन 14th जुलाई। इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ड्यू डेट रिपीट। 10 जनवरी। द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू अरे टू एक्स हाँ, द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाय वाई वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ ए ऑन 18th मार्च और बी ऑन 14th जुलाई। इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक ड्यू है डेट बेटा, 10 एक मिनट। पहले तो ड्यू टू एक्स मतलब एक्स ने वाई से पैसा लेना है, ये बात है। और आपको दो ऑप्शन दिया है। यदि वाई ये पूरा पेमेंट 18 मार्च को करे तो, या तो 14 जुलाई को करे तो, दोनों केस में इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड 8% पर एनम। नकुल भाई समझ रहे बेटा? हाँ सर, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड 8%। बेटा समझ रहे नकुल? यस सर, हम करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहले जरा बात भी तो साफ हो जाए। चल बेटा। ड्यू डेट 10 जनवरी ₹500, 26 जनवरी रिपब्लिक डे ₹1,000, 23rd मार्च 3,000, 18th अगस्त संडे 4,000। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी। आपको दो पॉसिबिलिटी दिया है ना, ये डेट या तो ये डेट। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है बेटा। एक पॉइंट खाली बोलना है आपको, 26 जनवरी दिया है, इफ यू नोटिस मिला क्या, तो यस सर, दैट यू विल कंसीडर 25th ऑफ जनवरी। और तेरे को संडे करके दिया है 18 अगस्त, दैट यू विल कंसीडर 17 अगस्त। समझता है बेटा? यस सर, है ना? तो एक काम करो, पहले क्वेश्चन को रिपीट कर डालो ताकि आपको मालूम पड़े क्या करना है और कौन सी कॉलम आपको बढ़ाना है, आपको मालूम है। चलिए तो ड्यू डेट लिखिए मेरे साथ, आई एम सॉल्विंग सॉल्यूशन। ड्यू डेट्स दो तीन लाइन का हेडिंग बनाना क्योंकि इसमें जगह चाहिए अपने को। एक एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा।
10 January amount ₹500. 25 January नीचे नोट लिखना दैट 1000 मैं अभी नोट लिखा दूंगा बाद में भूल सकता हूं मैं. 23 March 3000 and 17 August it is 4000. ठीक है बेटा जरा एक बार नोट लिख ले इसके 8-10 लाइन छोड़ के नीचे नोट. पब्लिक हॉलीडे एंड संडे आर टेकन एज नॉन वर्किंग डे. नकुल भाई हम लिखा हूं आप भी लिखिए. पब्लिक हॉलीडे एंड संडेज आर टेकन एज नॉन वर्किंग डे. Therefore, previous day is taken as third due date. Previous day is taken as the due date. नकुल भाई लिखा बेटा? हाँ सर. मतलब मैंने पहले से ही नोट मार लिया, लास्ट में मेरे को नोट याद नहीं रहता कभी कभी, तो पहले से फैसला कर दिया. चल बेटा अपना कार्यक्रम आगे करते हैं. दिस आर द ड्यू डेट अमाउंट. क्या मैंने नेक्स्ट कॉलम लिखा था, डू यू रिमेम्बर? Number of days from the base date. Number of days away from the base date. बेटा कोई भी डेट को बेस डेट ले ले, जनरली अपन अर्ली डेट को बेस डेट लेंगे. कौन सा डेट लू? 10 January. प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज. चलो बेटा मैं तैयार हूं, देख लो कार्यक्रम. ये आपका काम रहता है. अभी तक अपन ने क्वेश्चन रिपीट किया था बुक में से देख के. नकुल यस सर. हाँ अभी यहां से अपना काम शुरू हुआ बेटा. यस सर. वो एक्स को लेना है, मैं टाइम पास करता हूं मैं कभी कभी थोड़ा. क्या तुम्हारे माइंड को जरा सेंट्रलाइज करना पड़ता है ना, फोकस में कॉन्सेंट्रेट करा के, तो थोड़ा टाइम पास. ये सब एग्जाम में नहीं करना है. हाँ बाकी जितना हो सके उतना स्पीडी काम करना. चल बेटा अभी मेरे साथ ही काम करेंगे. 10 January 0, नकुल 10 January, 25 January, 25 में से 15 शाबाश. मार्च तक यात्रा चालू करो. 10 January में 31 दिन होते हैं. सब लोग मेरे साथ काम करें. जनवरी में 31, 10 तारीख माइनस कर बेटा कितना दिन बच गए? 21. फरवरी बोल, ये साल कौन सा रहे? 28. साल कौन सा है भैया? नहीं दिया, लीप ईयर नहीं कंसीडर करेंगे ना. हां मेरे में नहीं दिया, तुम्हारे में भी नहीं दिया बेटा? नहीं सर. ठीक है तो इसको लीप ईयर कंसीडर नहीं करना है. बोल बेटा फरवरी का कितना लेगा? 28. 28 और मार्च का 23 बेटा बोल तो. 72. समझा? जरा ध्यान देना भाई, फरवरी 28 डेज. जरा समझ लेना भाई सब लोग. Unless it is mentioned, I will not consider as a leap year. बेटा आगे बढ़, अगस्त तक यात्रा करो. चल भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. बेटा हम तो भाग रहा हूँ आगे आगे, तुम कर रहे क्या? अगस्त टोटल मार बेटा.
219 ठीक है भाई, सब लोग करो, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे करवाना चाहता हूँ, और ये काम अभी टफ नहीं है, कल मैंने किया, थियरी खत्म किया, एक क्वेश्चन किया, होमवर्क भी दे दिया, तो नाउ यू कैन डू समथिंग। ए प्रोडक्ट बोल नकुल, 0 करेक्ट, 15,000 216 216,000 जरा अमाउंट ठीक से लिखना बच्चा, 876 ले, टोटल 11,07,000 अमाउंट का टोटल मार, प्रोडक्ट का टोटल मार 8,500 अमाउंट का टोटल कितना बोला बेटा, 8,500 और ये प्रोडक्ट 11,07,000 चेक करवा लेना एक बार, 11,07,000 ठीक है। इक्वेटेड पीरियड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट। नकुल भाई थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं, बाद में ये सब शॉर्टकट करूंगा, ये सब स्टेप को उड़ा दूंगा। चल बेटा, 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500 130.23 days consider कितना बोला, 130.23 राउंड ऑफ करके 130.23 मतलब 130 बेटा 130.23 अभी इसका मतलब ये आप मैथ्स देखेंगे तो 130 बराबर तूने बोला, आई डू एग्री, लेकिन अगर जो डेज में बात करेंगे ना तो 130 के बाद वाला तेरे को डे लेना है, ये डेज की बात है ना, मतलब इसको राउंड फिगर तू मैथ्स में देखेगा तो 130 आता, यू आर राइट, लेकिन ये डेज में मतलब क्या 130 के बाद वाला दिन जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ जरा शांति से सुन, तो मैथमेटिकली यू आर राइट 130, मैं लिखा भी मिटा भी रहा हूं, लिखा इसलिए कि एक बार तू सच्चा है क्योंकि मैथ्स में ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगर जो थोड़ा ध्यान से सोचेगा तो 130 के बाद वाला दिन लेना है, तो इट इज 131th डे, 131th डे मतलब, आ जाओ बेटा आगे का लिखो, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस इक्वेटेड पीरियड। बेस डेट क्या था बेटा, 10 जनवरी प्लस 131 डे। बेटा आओ मैदान में जरा, मेरे को ये 131 का ब्रेकअप सुनाओ, बोलू मैं देख, जनवरी है ना 10 नकुल, तो अपने को 131 डेज पर जाना है। मैं नीचे का जरा नोट जानबूझ के निकाल देता हूं ताकि इधर ही तेरे सामने काम कर सकूं, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाना है मुझे। ले भाई ऐसे जरा टाइम पास किया था, हटा दिया। तो जनवरी का कितना दिन बाकी है बेटा, 21 यू आर राइट, माइनस कर, सुना ये जनवरी समाप्त हो गया बेटा, फरवरी का कितना दिन जाएगा, 28 आ जा मेरे साथ, मार्च 31 अप्रैल 30 है ना, तो अभी ये 21 दिन में पड़ गया बेटा, सोचना मेरी स्टाइल देख ले काम करने की, तो कोई भी स्टाइल से कर, मुझे आंसर 21 में चाहिए है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक दिन टोटल मारते रहते हैं, जनवरी फरवरी, मुझे अच्छा लगता है, फटफट हो जाता है माइनस माइनस करते जाने का, बाकी कोई भी स्टाइल से करो, आई एम नॉट कंसर्न
है ना, आंसर 21st मई. तो मेरा एवरेज ड्यू डेट 21st मई. लो भाई नकुल बेटा जरा देख लो कार्यक्रम. ठीक है लो भाई, आंसर मेरा खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने तेरे को एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने को खाली नहीं बोला है नकुल. आंसर ऐसे एवरेज ड्यू डेट हो गया बेटा 21st में, लेकिन उसने तेरे को खाली एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, क्वेश्चन में तेरे को उसने बोला था कि वो पेमेंट करना चाहता है 18 मार्च को या तो वो पेमेंट करना चाहता है 14th जुलाई को. बेटा यू हैव टू कंसीडर अमाउंट टू बी पेड, वो कितना पेमेंट करेगा, 18 को पे करेगा तो 18 मार्च को, और 14 जुलाई को पे करेगा तो कितना पे करेगा. जरा वापस मैं बोलता हूं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज गिवन टू यू. एक आंसर समाप्त हो गया एवरेज ड्यू डेट, मैं आगे बढ़ रहा हूं बाबूजी. टू पॉसिबिलिटीज आर आस्क्ड, बिल्कुल मैं वापस बोलता हूं, पूरा पेमेंट उसने 21 मई को करना चाहिए बेटा एवरेज ड्यू डेट को पेमेंट होना चाहिए 21 में, लेकिन उसने दो पॉसिबिलिटी और तेरे सामने फेंका है. एक, इफ ही मेक्स पेमेंट अर्ली, सेकंड इफ ही मेक्स पेमेंट लेट. देखना कौन सी दो पॉसिबिलिटी लिखा है. ही वॉन्ट्स टू मेक द पेमेंट ऑन 18 मार्च, और दूसरा ही वॉन्ट्स टू मेक द पेमेंट ऑन 14 जुलाई. तो कितना पेमेंट करेगा, मैं सेकंड पॉसिबिलिटी पहले लेता हूं क्योंकि तेरे को जरा कल का हिंट मिलेगा सेकंड पॉसिबिलिटी. बाबूजी चलिए मेरे साथ सॉल्यूशन आगे बढ़ाता हूं. एवरेज ड्यू डेट 21st मई एंड पेमेंट डेट 14 जुलाई. देख लो पेमेंट डेट इज 14 जुलाई. देख लो अब 21 मई से बेटा 14 जुलाई तक यात्रा चालू कर. ए यस सर, 21 मई को पेमेंट करना चाहिए था, उसकी जगह पे वाई बोलता है मैं 14 जुलाई को पे करता हूँ, लेट पे करता हूँ. तो बेटा कितना दिन लेट हुआ मेरे को बोलना. अगर सर गिनिए मई से यात्रा चालू कर. बोल भाई मई से यात्रा चालू कर, कितना दिन गया मई में बाकी. 21 दिन गया तो 10 दिन बचा. 10 दिन, शाबाश. चल जून का 30 दिन, चल प्लस 14 तो ही, चल बोल टोटल 54 days away, यानी कि लेट. पेमेंट डेट इज, इट मींस 54 डेज लेट. नकुल भाई यस सर, तो बस 54 डेज का ब्याज ले लो उससे. ओ नकुल, हाँ सर, 600.60 कहा था ना मैंने कितना रुपया लेने का उससे, तो क्या 8500 है ना ऊपर से, मैं देखा इधर बेटा ऐसा करके है ना, टोटल पेमेंट 8500. तो 8500 पे इंटरेस्ट कितना टका है बेटा, 8%. 8% इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन 8500 फॉर 54 डेज. बेटा मैं थोड़ा ज्यादा काम कर रहा हूँ, मगर जितना तुमको फिर फास्ट करने का है, शॉर्टकट करने का छूट है, गिनते जाना बेटा. 8500 8%, 54 डेज, 365 से डिवाइड करना. पूरे बच्चा बोलो 100.60. 100.60 यहाँ भी वही रखो, तो टोटल पेमेंट कितना आएगा, 8600.60.
इसको ऐड करने दे मेरे को जरा, तेरे को नजर, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं डायरेक्ट क्यों करता हूँ। 500 प्लस 100 रुपया 60 पैसा बाय। बोल बेटा। हाँ डॉक्टर। लो भाई मेरा ये पहला आंसर समाप्त हुआ नकुल भाई, और पहला आंसर में सावधान नकुल लेट पेमेंट था। हाँ सर। तो उसने इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट मैंने देख ऐड किया। बच्चा जरा सुनना, अभी मैं गाड़ी रिवर्स में लेने वाला हूँ। रिवर्स में क्या मतलब है रे मेरा? तो कि सर आपने जानबूझ के पहले बी कराया 14 जुलाई वाला लेट पेमेंट, यदि आप पहले वो कराते तो 18 मार्च देख रहे ऊपर है। यस सर। सेंटर में लाया देख स्क्रीन पे, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर जो मैं पहला आंसर पहले करता तो भी कर सकता है, ये लेट पेमेंट वाला क्या अपने खोपड़ी में जल्दी सेट होता है। अभी मैं अर्ली पेमेंट करना चाहता हूं, तो अर्ली पेमेंट कैसे करेगा? तो कैसे ही सर, कितना दिन वो अर्ली पेमेंट करता है पहले चेक कर। चल जरा 18 मार्च से अपना ड्यू डेट क्या है 21 में। आ जा बेटा, पॉसिबिलिटी नंबर ए चालू कर, अर्ली पेमेंट। हाउ मेनी डेज, ये मेरा पहले सवाल है। तो बेटा हाउ मेनी डेज बोलेगा तो डेट पकड़ना, कब से कब तक का? तो के 18 मार्च है ना, 18 मार्च टू अपना कौन सा था ड्यू डेट 21 में। चल बेटा यात्रा शुरू कर। अरे सुनता है क्या रे, कितना दिन अर्ली? हाँ बोला ना 64। तो गिनो मार्च का कितना, 13 है ना, 31 होता है, तो मार्च का 13, अप्रैल का 30 और मई का 21। बेटा जरा बोल तो कितना है? 64 डेज। जरा सब लोग देखो तो भाई, तो मैं कैसे गिनता हूँ रे नकुल भाई, हमारा शांति से नाटक देखो, ये डेट है डेज है, ये करना पड़ता है। मेरे को भी ओरली नहीं मालूम होता है बेटा, कोई बोलेगा सर नहीं, हमको भी करना पड़ता है, स्टेप करना पड़ता है, डेट लिखेगा, कोई खोपड़ी में आएगा ना यार, ऐसा कैसे होएगा। चल भाई अभी इसका इंटरेस्ट ढूंढ, कितना रुपया था 8500, 8% पकड़ ले रहे, 64 डेज ले ले रहे, और नकुल 119.2 119.2.2 यानी 20 पैसा बेटा। वो इट इज वन टाइप ऑफ इंसेंटिव फॉर मिस्टर वाई, इट इज इंसेंटिव बोल, डिस्काउंट बोल फॉर वाई, मतलब लॉस फॉर एक्स एंड गेन फॉर वाई। क्या बोला रे मैं? लॉस फॉर एक्स एंड गेन फॉर वाई है ना, सीधी बात है, वो इतना पैसा कम दे रहा है ना, तो कितना लेना था मेरे को? 8500। अमाउंट टू बी रिसीव्ड 8500 बेटा माइनस कर इतना 119.20 रुपया। पीछा बोल 8380.8। क्या बोला रिपीट? 8380.80। हेलो कैसे है जरा देखो रे, नाटक खत्म मेरा। नकुल भाई देखा दोनों तरफा खेल खेला, इफ ही मेक्स द पेमेंट अर्ली देन बट नेचुरली ही विल गेट दैट मच ऑफ डिस्काउंट, लॉस फॉर एक्स गेन फॉर वाई, और लेट पेमेंट करेगा दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अपना क्या माइंड पहले से सेट है कि वो लेट पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट लेना है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, देयरफॉर आई हैव पर्पसली टेकन सेकंड पॉसिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि वो तेरे को मालूम ही है, ये भी मालूम ही है, अभी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है हो गया।
कोई डाउट हो तो पूछो भाई, नहीं तो गाड़ी आगे चलेगी मेरी। नो सर। इलस्ट्रेशन वन होमवर्क। यस सर। बहुत छोटा था, जानबूझ के मैंने देख के ही छोड़ दिया, पहले वही लेना था फिर बोला नहीं लेना है, या छोटा आप करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। इलस्ट्रेशन थ्री हम आगे बढ़ूंगा, लिखते जाओ भाई होमवर्क। हाँ सर। हाँ, और सबको ये क्वेश्चन नहीं, सबके पास है ही ना ऐसे तो। हाँ बस चलो अभी इलस्ट्रेशन थ्री पे आ जाओ मेरे साथ, अपन काम शुरू कर रहा हूँ बेटा। पेज नंबर बोल बेटा। पेज नंबर 6.80। पढ़ तो बेटा, चालू कर। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट ऑफ बिल 10th August 2015, term 3 months, amount 6,000. Date of bill 23rd October 2015, term 60 days, amount 5,000. 4th December 2015, for 2 months, rupees 4,000. January 14, 2016, 60 days, 2,000. March 14, 2016, 2 months, 3,000. Assume February of 28 days. ठीक है, अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड आल्सो। लेकिन उसने लीप ईयर में लेके गया और अज्यूम किया, जरा देखना। ठीक है, मगर पहली बार वापस पढ़ दो स्टार्टिंग से। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर तेरे को डेट बोला है, टर्म्स बोला, अमाउंट बोला, लास्ट में बोला अज्यूम फेब्रुआरी। ठीक है, पहले तो दिस डेट्स आर Not due dates. Wapas, wapas. These dates are not due date. बेटा कल भी मैंने तुमको ऐसा ही क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। Yes sir. Due date तेरे को ढूंढना था। आज अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया उसमें ड्यू डेट था बेटा, तो नो नीड टू कैलकुलेट ड्यू डेट। बट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द ड्यू डेट and then do the necessary process. चलिए due date ढूंढना है। नकुल भाई। Yes sir. चालू कर लीजिए बेटा। Date of bill, term, amount. पहले अपन ड्यू डेट ढूंढेंगे। फिर वो अपना नंबर ऑफ डेज अवे फ्रॉम द बेस डेट That is, अभी मेरे पास आया नहीं है, आ जाएगा, घबरा मत। और फिर प्रोडक्ट दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। हमारे को जगह बहुत कम पड़ता है भाई, कटोकट चल रहा हूं मैं भी। सब लोग मेरे साथ चलो भाई, टाइम पास नहीं करने का है। अभी कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुम भी मेरे साथ चलो बेटा। रेडी एवरीबॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम कर सकते हो मेरे साथ, कम से कम रहना, आगे रहे मैं खुश हूं। अगस्त 10 3 मंथ्स अमाउंट 6,000। एक एक लाइन छोड़ के लिखना बेटा। October 23, 60 days, amount 5,000. December 4, 2 months, amount 4,000. January 14, year is change.
60 days. Amount 2000. March 8, 2016. 2 months. चलो भाई पहले जरा ड्यू डेट ढूंढो बच्चा. अगस्त 10, 3 months. भाई यात्रा शुरू करो नकुल भाई. हाँ सर खत्म. अगस्त से 3 महीना. अगस्त बोलेगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 13. 10 नवंबर प्लस 3. 13 नवंबर. 13 नवंबर. फिर अक्टूबर 60 days. अक्टूबर 60 days. जरा करना पड़ेगा नकुल ये कार्यक्रम. सिक्सटी डेज ऐड करना है अक्टूबर. मैं जानबूझ के वर्किंग कर रहा हूँ फालतू में टाइम पास. तुम पास कर सकते हो मैं खुश हूं भाई. पहले घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ. तो अक्टूबर से 60 दिन की यात्रा चालू करो. अक्टूबर में कितने दिन बचे बेटा? 8. 8 यानी अक्टूबर समाप्त. नवंबर बोल. 30. नवंबर समाप्त. और मतलब मैं 22nd दिसंबर हूँ. 3 days ग्रेस. 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर बेटा. 25. December 25th is the due date. जरा देख लो ये टाइम पास है नाटक है मगर जरूरी है. प्रॉपरली काम करने का बच्चा ये कैलकुलेशन है ना. सबके सामने भैया कुछ डाउट है तो पूछ लेना. अक्टूबर नवंबर आंसर 22nd दिसंबर प्लस 3 days ग्रेस आंसर 25th. ले ले बेटा 25th ऑफ दिसंबर 2015. जरा संभाल के लिख दे जाना मेरे को जगह बहुत कम है. मैं पहले ही बोल चुका हूं. नेक्स्ट चलो. हाँ सर. दिसंबर 4 प्लस 2 months. दिसंबर जनवरी फरवरी तो कौन सा डेट आएगा? 7 सावधान 2016 ईयर इज चेंज. और खास बात सुन लेना 16 इज द लीप ईयर. 16 इज द लीप ईयर. तो फरवरी में 29 डेज होना चाहिए लेकिन उन्होंने मुझे बांध के रखा है कंसीडर फरवरी 28. तो अपन 28 लेंगे. बाकी उसने नहीं बोला होता ना क्वेश्चन में तो फरवरी के 29 डेज ही होते. चलो भाई आगे बढ़ो. जनवरी 60 डेज. जरा भाई वर्किंग करना पड़ेगा. 14 जनवरी से 60 डेज की यात्रा चालू करो. जनवरी का कितना दिन ऐड करो बेटा? 17. 17 तो 17 माइनस कर डाल कितना बच गया? 43. फिर फरवरी का माइनस कर 15. फरवरी का कितना? 28 माइनस किया तो 15. 28 करेक्ट. 15 मतलब अब मार्च में रुक गया हूं बेटा. देख लो 3 दिन ऐड कर लो. 18 मार्च इज माय ड्यू डेट. ये फुल टाइम पास है भाई. तुम्हारे पास कैलकुलेशन जितना फास्ट है उतना अच्छा है. बाकी ये करना पड़ता है
और मैं भी शांति से काम कर रहा हूँ, एक एक बात लिख के करवा रहा हूँ। चल भाई लास्ट मार्च दो महीना ऐड कर, 8 मार्च प्लस 2 मंथ्स मार्च अप्रैल मई 11 मई सर डेट ऑफ बिल 14 मार्च है। डेट ऑफ बिल 14 मार्च है। क्या बोले हमने समझा, हेतु वापस बोल दो बेटा। सर जो आपने ड्यू डेट निकाला है ना वो 17 में आएगा क्योंकि डेट ऑफ बिल 14 मार्च है। ये लास्ट वाला बिल की बात करें तो हाँ, लास्ट वाला बिल का डेट ऑफ बिल क्या है? 14th मार्च 2016। बेटा मार्च 8 है तेरे को, मार्च 14 है। मार्च 14 है, मार्च 8 है कि मार्च 14 है? 14 मार्च 14 है। ठीक है, मेरी बुक में मार्च 8 है। ठीक है अपन 14 लेते बच्चा, क्योंकि तो मैंने जब 8 लिखा था अभी तुमको दिखता नहीं था क्या रे? अभी आपका थोड़ी देखने बैठे हैं हम, तो हमारा सॉल्व करेंगे ना। वाह 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 वाह, बोलो। मेरे पास तो बुक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखो। मैन भाई बोला नहीं था क्या तुम लोगों को? हम लोग आगे कर रहे, बोलो। चलो भाई, मार्च 14 है तो अभी 2 महीना ले लो। क्या है आंसर बेटा? 17 में, बराबर मार्च अप्रैल में। ठीक है लो भाई, मैंने कर लिया 17। ठीक है बच्चा, जो भी डेट दिया अपने को सॉल्व करना है, मेथड रिमेन सेम। कोई भी डेट दिया हो गए, चल आगे बढ़ अभी। नवंबर दिसंबर फरवरी अर्लीस्ट डेट आई एम टेकिंग एज द बेस डेट। जरा देखो 13 नवंबर इज टेकन एज द बेस डेट। नकुल ऊपर देख, टेक जीरो डेट 13 नवंबर। सर 13 नवंबर, हाँ बराबर बराबर 13 नवंबर बराबर, ये डेट ऑफ बिल, हाँ बराबर बराबर है। एनी डाउट? नो सर। चलो तो आगे बढ़िए। नवंबर टू दिसंबर, नवंबर में कितना दिन बचे बेटा? मेरे को मदद करो भाई, साथ में करिए ताकि दूसरे को भी सुने। हमेशा बच्चा तू भी बोल। नवंबर 13 को खड़ा हूं मैं, जो 25 दिसंबर तक की यात्रा करनी है, कितने दिन हो गए? नहीं बोलते। नवंबर के 17 बेटा, दिसंबर के 25 बोल, टोटल बोल 42। फिर फरवरी तक का यात्रा चालू करो, नवंबर की 17, दिसंबर की 31, जनवरी के 31, फरवरी के 7, बेटा बोलो 86। चलो भाई मार्च तक आगे बढ़ो, 125। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना बोला बेटा? 125। करेक्ट है? लास्ट का ढूंढो ना भाई,
17 मई तक लंबी यात्रा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 185 डेज चेक करा लेना 185 डेज कंफर्म कर लो सर सब भाई कंफर्म करो आज से करेक्ट चलो अभी प्रोडक्ट ढूंढो 6000 मिले में 00 5000 मिले में 42 चले भाई 210000 फिर 342000 लिखते जाओ सर आराम से 2,10,000 10,000 चल आगे बोल 3,44,000 3,44,000 2,50,000 2,55,000 5,55,000 5,55,000 टोटल 17,03,000 टोटल कितना बोला बेटा 17,03,000 17,03,000 अमाउंट का टोटल 20,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल ऑफ अमाउंट इट इज 20,000 चलो भाई अभी मुझे इक्वेटेड पीरियड नहीं करना है मुझे डायरेक्ट तुमको सिखाना है एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट बेस डेट क्या बेटा हाँ नयन भाई आप बोलिए प्रोडक्ट का टोटल 13,59,000 ए नयन आंसर बोल 13,59,000 अभी वो मैंने लिखा है उसी का तो टोटल मारना था तू कुछ भी मेरे को लिखा दिया और तू ऐसा खोटा धतिंग धमल फास्ट पास करके गलत करता है क्या फायदा है चल भाई बेस डेट क्या है बेस डेट 13 नवंबर टोटल प्रोडक्ट थर्टीन लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड अपॉन 20,000 चल भाई 13 नवंबर 68 मतलब हाँ कितना आया बोलो 67.95 था तो 68 67.95 सो 68 ले लो 95 यानी ऊपर दिन जाएगा तो नेक्स्ट दिन लेने का बच्चा तो दैट इज 68 डेज चल भाई अभी 13 नवंबर में 68 डेज की यात्रा चालू करता हूँ नकुल भाई चालू करूँ हाँ सर सब लोग नयन भाई बराबर है ना सब लोग अभी तक एक एक मेरे स्टेप देखिए ना मैं कुछ कुछ स्टेप कम कर रहा हूँ इफ यू नोटिस मी मेरे को ध्यान से बराबर देखिए मेरा अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन धीरे धीरे आपको लगेगा शाह सर लास्ट में तो एकदम शॉर्टकट पे पहुंचने ही वाला है चल बेटा 68 डेज ये नवंबर 13 को खड़ा हूं मैं बोल 17 बराबर है 17 दिन बेटा माइनस कर ले 51 दिसंबर 28 जनवरी 2016 बेटा हम 20 को रुक गए हैं और ये है मेरा एवरेज ड्यू डेट 20 जनवरी 2016 देख लो बेटा आंसर आराम से काम करने का नकुल भाई एक एक स्टेप शांति से करने का कोई भी हो अब ये नकुल का नाम लिया तो नकुल को नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें क्या एक गलती हो जाती है तो आगे फिर गलती है मतलब वहां क्या बाद में का आंसर छोड़ ही देने का आपको क्योंकि वो तो गलती होते जाएगा ना एक गलती हो गई तो पीछे का पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा इसमें कैलकुलेशन ही है बस 21 साल से सॉल्यूशन करना है चलो हम आगे बढ़ूंगा
नकुल भाई कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4 बेटा पढ़ तो। A trader having accepted the following several bills falling due on different dates now desire to have these bills cancelled and to accept a new bill from whole amount payable on the average due date. First bill drawn on 1st March 2016 amount 400 to for 2 months. 10th March 2016 300 3 months. 5th April 2016 200 amount 2 months. 20th April 2016 for amount 375 for 1 month. 11th May 2016 for 500 for 2 months. You are required to find the said average due date. Okay. अभी आपको ड्यू डेट ढूंढ के आगे काम करना है, इज इट क्लियर? उसने बोला ना फॉलोइंग सेवरल बिल्स फॉलोइंग ड्यू ऑन द डिफरेंट डेट्स और यूजेंस ऑफ बिल मतलब पीरियड ऑफ बिल स्पन ऑफ बिल इसको बोलते हैं, एक एक का तू ढूंढेगा ड्यू डेट क्या आएगा, ठीक है बेटा? होमवर्क में छोड़ सकता हूँ मैं, लगता है छूट जाए तो चलेगा करेगा? हाँ सर, है ना? मतलब मैं जरा इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा तगड़ा हो तो मेरे लिए अच्छा लगता है, बाकी ठीक है, सबका मोरलेस प्रोसेस सेम ही है बेटा। दिस इज होमवर्क वंस मोर। कितने क्वेश्चन होमवर्क में अभी तक भाई? दो ही हुआ ना, एक और ये चार, चलो पांचवा लेते हैं। टू ट्रेडर्स जरा सब लोग कर लेना भाई, इसमें कुछ है नहीं, मगर इतना करने को 15-20 मिनट जाए और फास्ट काम करना प्लीज। इलस्ट्रेशन 5। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर ईच अलाउइंग द अदर 1 month क्रेडिट एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ द अकाउंट रेंडर्ड आर एज फॉलोज। अप्रैल 18 गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई 64 rupees 60। मई 15 70 rupees, June 17 80 rupees, April 23 goods sold by Y to X 52 and May 24 50 rupees. Calculate the date upon which the balance should be paid so that no interest is due either to X or Y. मेरे में क्वेश्चन क्या गलत दिया रे? A O B ऐसा दिया illustration 5। ए ओस बी 890 ऑन जनवरी 15। सिक्स वाला भी नहीं है वो, सेवेंथ वाला भी नहीं है, एट भी नहीं, नाइन्थ भी नहीं, ए एंड बी भी पास नहीं, मेरे में नहीं है सर। उसके बाद कौन सा है देखता हूँ? उसके बाद में है इलस्ट्रेशन 6। मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल है। है हाँ है। एक मिनट, एक काम कर, ठीक है, उसके पहले इधर दो क्वेश्चन और दिए हैं करने लायक है, ओपनिंग बैलेंस का भी दिया है आप लोग के बुक में, मतलब कम दिए। टोटल कितने कितने क्वेश्चन है तेरे में देखता हूँ? इलस्ट्रेशन का गिन के सारे 9 है और एक्सरसाइज में नहीं नहीं, इलस्ट्रेशन 9 है ना, इलस्ट्रेशन मेरे में 11 इलस्ट्रेशन है। ये क्या ओपनिंग बैलेंस का क्वेश्चन है इसमें हमारे में, एक एक्स्ट्रा
मैं लिखवा देता हूँ चलिए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का भी एक क्वेश्चन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा रे, भले आप में नहीं है, अपने को तो क्वेश्चन सब करना है, नहीं है तो अच्छा क्वेश्चन है तो ले लेना भाई, अवॉइड करने वाला होता तो मैं छोड़ देता, मैंने हमेशा ज्यादा क्वेश्चन ही आपको कराया है। यस सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहां भी जरूरत पड़ी मैंने दिए हैं, और भी आगे चैप्टर्स में दूंगा, और ये मैं भी दे रहा हूँ, देख कुछ चैप्टर्स में जरूरत है, मतलब इसमें इनफ नहीं है, तो जहां भी मुझे लग रहा है आई ऑलवेज गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब यहाँ के तो बुक के सब कराता हूँ प्लस एक्स्ट्रा कराऊंगा ही, बहुत जरूरी बात है ये, अभी मैं छोड़ भी सकता हूँ लेकिन नहीं अच्छा क्वेश्चन है लिख लो तो चलो बड़ा जरा, नकुल मैं बोलता हूँ लिखो, ए ओज बी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा करके छाप लो बच्चा, ए ओज बी रुपीज 890 ऑन 1 January 2015, ए ओज बी का मतलब ए हैज टू पे टू बी, नकुल समझा, ऑन 1 January 2015, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, ए ओज 890 बोला ना मैं, हेलो क्या सर, ए ओज बी 890 हम बोला कि नहीं, हाँ बोला, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम जनवरी टू मार्च फॉलोइंग फर्दर ट्रांजेक्शन टू प्लेस, बिटवीन ए एंड बी, नेक्स्ट लाइन, जनवरी 16 कॉमा करके लिख, सेम लाइन, ए बाइज गुड्स रुपीज 910, नेक्स्ट लाइन बराबर जनवरी 16 के नीचे लिखना डेट February 2, आई थिंक यू आर गेटिंग मी क्लियरली, बिलो जनवरी 16 राइट द नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट लाइन February 2, कॉमा, ए रिसीव्स कैश लोन ₹750. Next line, March 6, below the dates only, March 6, A buys goods worth ₹810. ठीक है बेटा, next line, A pays the whole amount. A pays the whole amount on 31st March 2015, together with interest at 5% per annum. Together with interest at 5% per annum. ठीक है, देखो लोन है, ओपनिंग बैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लिए, वो लोन है वो भी अमाउंट उससे रिसीवेबल है, ओपनिंग बैलेंस में भी अपने को उससे अमाउंट लेना है, मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन वो का वही है। सेकंड थिंग नकुल भाई, यहाँ कोई बिल नहीं है कि आपको ड्यू डेट ढूंढ के उसमें 3 days ऑफ ग्रेस एड करने का वो जरूरत नहीं है, जरा समझना भाई क्या है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई डेज ऑफ ग्रेस एड करने का नहीं है क्योंकि वो तो डेट दिया ही है, जस्ट यू स्टार्ट द सॉल्यूशन, ए ओज बी वो भी तू ले ले एज अ ड्यू डेट, अमाउंट और फिर अपना स्टोरी, नंबर ऑफ डेज अवे,
फ्रॉम बेस डेट और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज. अच्छा बेटा पहला 1 जनवरी ले रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस 890 ले, फिर 16 जनवरी अमाउंट 910, सेकंड फेब 750, सिक्स मार्च 810. बेटा बेस डेट ले लें 1 जनवरी 15. नकुल भाई कुछ पूछना है तो बोलो बेटा, हम तैयार हूँ. एक जनवरी 16, नकुल भाई बोलो 15, फिर 2 फरवरी, तो 1 जनवरी मतलब जनवरी के 30 और फरवरी का 2 बोले तो 32 डेज. और सावधान रहना, ये 15 है बच्चा, जनवरी का 30, फरवरी का कितना लिखो बेटा 28, शाबाश, मार्च का 6 बोले तो 64. चलो बोल बेटा, 910 मल्टीप्लाई बाय 15 बोले तो 13,650. चल 24,000. चलो 51,840. चलो टोटल बोलना बेटा. और ये अमाउंट बोल बेटा. सीधा फॉर्मूला मार, एवरेज ड्यू डेट में जैसे लास्ट में सिखाया वो, बेस डेट प्लस टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल अमाउंट. बेस डेट 1 जनवरी, टोटल प्रोडक्ट 89,490 डिवाइडेड बाय 3,360. नकुल भाई आप बोलिए 27 डेज. जनवरी में आया जो भी आता है. अभी आप थोड़े फास्ट हो गए हैं और देखो नंबर ऑफ स्टेप में एकदम लिमिट में पहुंच गए हो. एड कर बेटा इसको 28 दिन. और 28 जनवरी 2015 इज द एवरेज ड्यू डेट. और वो पेमेंट कभी करना चाहता था बंदा? ये नकुल लिखा है क्या मैंने? ए पेज द होल अमाउंट ऑन 31st March 2016 टू विद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. पेमेंट टू बी मेड ऑन 31st March. Therefore, late payment by 28 January to 31st March. 28 January. यानी जनवरी के कितने दिन हो गए बेटा? 3. हाँ
फरवरी 28 डेज और 31 मार्च 31 बोले तो 62 है ना, बोल बेटा 62 डेज करेक्ट है ना? हाँ सर। तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना बोला है? 5 5% ऑन 3,360 फॉर 62 डेज। चल बेटा 28.53 देयरफॉर टोटल पेमेंट टू बी मेड इज इक्वल टू नकुल भाई। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन आप में है कि नहीं, राधे श्याम परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम। राधे श्याम हरिराम एक मिनट राधे श्याम हरिराम कुमार नहीं है। तो एक काम कर, मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग इधर ही सॉल्व कर डालो, 5-10 मिनट में हो जाएगा। दो क्वेश्चन होमवर्क और ये अभी इधर ही सोल्व करो, अगले का यात्रा कर लेते हैं। फिर लिखो भाई, लिखो फटफट। राधेश्याम परचेज गुड्स फ्रॉम हरिराम नेक्स्ट लाइन। मैं बोलता हूं ऐसे लिखने का है, प्लीज। नेक्स्ट लाइन मार्च 15 रुपीज 400 ड्यू ऑन 18 अप्रैल। अपन स्टाइल देख, मतलब उसने परचेज किया है 15 मार्च को 400 रुपए का गुड्स जिसका पेमेंट ड्यू हो रहा है 18 अप्रैल। नकुल बाबा इज इट क्लियर? यस सर। तो अपने को ड्यू डेट कौन सा लेने का है? 18 अप्रैल। अच्छा, नेक्स्ट लाइन एक लाइन छोड़ के April 21, rupees 300, due on 24th of May. मतलब 21 अप्रैल को उसने परचेज किया 300 का गुड्स जिसका पेमेंट करना है 24 मई को। नेक्स्ट April 27 200 due on 30th June.
15 में 250 ड्यू ऑन 18 जुलाई That's it. लिखने का एक वाक्य लिख ले, उसने लिखा है तो मैं भी लिखा दूं तेरे को. हरिराम एग्रीड टू ड्रॉ, क्या कोई उपयोग नहीं है लेकिन फिर भी लिख ले, तेरे को डर कम लगे कभी ऐसा आवे तो. हरिराम एग्रीड टू ड्रॉ अ बिल फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन द एवरेज ड्यू डेट. सुना ये वाक्य में कुछ है नहीं. असर्टेन दैट डेट, असर्टेन दैट डेट. जरा मैं वाक्य का मीनिंग सुना दूं, कुछ भी नहीं है फिर भी क्या वाक्य है तो कभी कभी डर नहीं लगे ना. आई रिपीट द सेंटेंस, प्लीज लिसन केयरफुली. हरिराम एग्री टू ड्रॉ अ बिल for the total amount due on the average due date. Third time I repeat. Hariram agreed to draw a bill. Hariram ने बोला कि एक बिल अपन बना लेते हैं for the total amount, जो भी अपना ये चार transaction हुआ है उसका total amount, और वो bill जिसको due करना है on the average due date, जो अपना due date आएगा ये चारों का, उसी दिन को आप उसका payment करोगे. मतलब कोई मतलब नहीं है अपने को वैसे ही ढूंढना है एवरेज ड्यू डेट वगैरह जैसे ढूंढते हो, और नया बिल ऐसे ड्रॉ किया जाएगा कि इसी तारीख को उसको पैसा देना है. देयर इज जस्ट एंड जस्ट इंफॉर्मेशन, वी हैव टू डू नथिंग फॉर दिस प्लेस. ठीक है, जरा कैलकुलेशन करा लो बेटा. दैट्स इट फॉर द डे. दो क्वेश्चन और दिए हैं और इसको भी अभी कैलकुलेट करो. दैट्स इट प्लीज.